किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे हर्बल ब्यूटी सोप। हर्बल ब्यूटी सोप बनाएंगे, दाग धब्बे जो है आपके चेहरे में वो दूर होगा, और जो चेहरा थोड़ा सा काला पड़ जाता है झाइयाँ दूर होंगी, चेहरे में चमक आएगी आपके। तो उसको हम कैसे बनाते हैं, उसके इंग्रेडिएंट्स हम आपको बताते हैं हर्बल सोप का। और ये सोप यकीन मानिए बहुत अच्छा है, मैंने यूज़ किया है और बहुत अच्छा सोप मैंने बनाया था और ख़ुद यूज़ किया है। उसके बाद मैं सोची आप लोग से इसको इसकी विधि को शेयर करूं। तो चलिए इसके इंग्रेडिएंट्स हम बताते हैं। इसमें हम सारी चीज़ हर्बल डालेंगे। आम का पत्ता है, कुछ हमने धो के रख लिया है। ये गिलोय का पत्ता है, गिलोय नहीं भी मिलेगा तो चलेगा। और ये है नीम का पत्ता। ये सबको हम पानी में, एक कप पानी में, एक गिलास पानी में इसको उबाल के, दो तीन चम्मच बचेगा तब इसका उपयोग हम करेंगे ठंडा करके। और ये है सोप बेस जो कि अमेजन से मंगाए हैं हम। इसका लिंक मैं आपको दे दूंगी। बहुत दिन से आया है ये, पर ये मेरे को पता नहीं कितने, कीमत तो नहीं लिखा है इसमें। और ये है, ये एलोवेरा है। एलोवेरा का पेड़ मेरे यहाँ था, तो मैं सारी चीज़ जब हर्बल डाल रही हूँ तो इसको भी हम काट के, इसके भी अंदर से गुदे को निकाल के इसको हम डालेंगे इसमें। और ये है एक्स्ट्रा वर्जन नारियल का तेल है, ये नारियल का एक्स्ट्रा वर्जन ऑयल है ये। और हम इसमें डालेंगे दो चम्मच चावल का आटा। चावल का आटा स्किन के वाइटनिंग के लिए बहुत अच्छा होता है। और एक दो तीन बूंद हम डालेंगे एसेंशियल ऑयल, अरोमा ऑयल है ये, तो इसको हम सोप में डालेंगे। चलिए अब हम आपको बताते हैं कि ये कैसे बनता है। ग्लास हमने पानी गर्म करने रखा था, उसमें हम ये इसको तोड़ तोड़ के डाल देंगे। गिलोय के पत्ते को डाल दिए, आम के पत्ते को भी डाल देंगे ऐसी तोड़ के। और आएंगे इतना उबालेंगे कि केवल इसका रस हमें दो चम्मच, ये नीम की पत्तियों को हमने डाला है। ये टोटल हर्बल हम बना रहे हैं, केवल हमको दो कप दो चम्मच बचेगा तब हम इसको छानेंगे। छील के इसका गूदा निकाल लेंगे थोड़ा सा। ये गूदा है, ये निकाल लिए हम। ग्रीन पार्ट नहीं होना चाहिए, उसको हम ग्रीन पार्ट को पूरा काट देंगे। निकला है वाइट पार्ट, इसको हम मिक्सर ग्राइंडर में पीस लेंगे। दो चम्मच पर्याप्त है, निकल जाएगा हमारे लिए। चलिए अब हम इसको पीस के, अच्छे से उबल गया, अब दो चम्मच पानी हमें मिल जाएगा इसका, इसको हम छानते हैं। दो चम्मच पानी हमने उबाल के रख लिया है, अब हम इसको ये करेंगे जो सोप बेस है इसको हम पिघलाएंगे। हम इसको वो करेंगे, पिघलाएंगे। माइक्रोवेव नहीं होगा, वो डबल बॉयलर में रखेगा। हालांकि मेरा ये माइक्रोवेव सेप बाउल है, तो मैं डबल बॉयलर में इसको करके आपको दिखाती हूँ। पानी थोड़ा उबलने लगे तब मैं इसको, एक से डेढ़ मिनट में ये बॉयल हो जाएगा। तक हम इसको ऐसे कर लेते हैं। इसमें हम दो चम्मच चावल का आटा डालेंगे। चावल का आटा क्या है, स्किन वाइटनिंग के काम आता है, और ये टॉनिक ही है, स्किन टॉनिक ही हम कह लें तो ज़्यादा। तो ये जू था है, गिलोय है, और नीम है, और आम का ये जूस हमने बनाया था वो है, और ये एलोवेरा जूस है, उसको हम एक चम्मच डालेंगे। वर्जिन ऑयल जो है वो हेल्थ के लिए बहुत अच्छा, स्किन के लिए बहुत अच्छा माना जाता है, तो इसको हम डालेंगे दो चम्मच। ये सब चीज़ हम इसी नाप से डालेंगे, दो चम्मच ये डालेंगे, अच्छे से घोल लेंगे। लम्स नहीं पड़ना चाहिए। लम्स नहीं पड़ना चाहिए, इसको अच्छे से ये कर लिए, फेंट लेंगे अच्छे से, जो कि डबल बॉयलर में हम इसको पिघला रहे हैं। ये देखिए आँच को हम धीमा कर दिए हैं, उसी गर्म पानी में ये अच्छे से पिघल जाएगा, फिर हम इसको निकालेंगे। दो तीन बूंद हम इसका भी डालेंगे इसमें। चाहे तो इसमें चंदन पाउडर भी ऐड कर सकते हैं, और इसमें शहद भी डाल सकते हैं एक चम्मच, आपके स्किन के लिए सभी चीज़ें बहुत अच्छी होती हैं। तो ये आपके ऊपर है, आप चंदन और पाउडर और शहद, मुलेठी का पाउडर भी इसमें ऐड कर सकते हैं।
मेरा सोप बेस है, सोप बेस को भी हम इसमें डालेंगे, गरम गरम ही डालेंगे। इसमें ये ऑयल जो है उसको हम लगा दिए ताकि हमारा बनने के बाद सूप फट से निकल जाए। एक कप ये है, हर जगह उपलब्ध हो जाता है, इसमें हमने बनाया है। 15 मिनट मैं फ्रिज में रख दूँगी, जम जाएगा, फिर उसका सूप मैं आपको दिखाती हूँ। चलिए अभी इसको मैं फ्रिज में रख रही हूँ। मेरा साबुन बन के तैयार हो गया। अब इसको हम कैंची से एक छोर को काट के फिर इसको ऐसे निकाल लेंगे। मेरा एलोवेरा, नीम, आम और गिलोय की पत्ती, इसका फेस वाश साबुन बन के तैयार हो गया है। बहुत अच्छा बना है और एकदम ओरिजिनल है। ये आप बनाइए और अपने फेस में लगाइए। ठंड के मौसम में साबुन ज़रूर बना के आप रखिएगा। एक आध बार आप ज़रूर इसको बनाइए और लगाइए। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और आप मेरे चैनल में विजिट अवश्य करिएगा। अब हम मिलेंगे और एक दूसरे सोप के साथ, फिर आपके सामने मैं हाजिर होंगी दूसरे साबुन के साथ। थैंक यू वेरी मच। अब मिलेंगे अगले दिन।